नमस्कार फाइनल पॉइंट फाइट आज आलोचना करबा जेतु आज आईपीएल 2023 रे प्रथम प्लेऑफ मैच चेन्नई रे खेला जाउछे मैच एवं ए मैच रे डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को भेटिबो चेन्नई सुपर किंग्स एथरो आईपीएल ले टेबल ले देखिबा कि टॉप रे रहछि गुजरात टाइटंस 14 मैच रु 10 विजय सहित 20 पॉइंट पाइछि दल द्वितीय रे थिबा चेन्नई 14 टी मैच रु 8 विजय सहित 17 पॉइंट पाइछि हार्दिक पांड्या को गुजरात जेतु कोटे जबरदस्त फॉर्म रे रहछि बॉल ऑफ फॉर्म रे थिबारु मैच को जीति सीधा सर को फाइनल खेल को चेष्टा करिबो अन्य पट आपण देखंतु धोनी को चेन्नई जेतु घरे माटे होम ग्राउंड रे खेलु थबारु फायदा नेबा को मध्य चेष्टा करिबो तेनु आजिर मैच बेस संघर्षपूर्ण हेबो बोली आशा करा जाउछि सेपरि आसंता काली लखनऊ सुपर जायंट एवं मुंबई इंडियंस मधरे खेला जिवो एलिमिनेटेड मैच आसंता 26 तारिख रे क्वालिफायर 2 खेला जिवो एथरे क्वालिफायर 1 रे पराजित होइथिबा टीम एवं एलिमिनेटर रो विजेता टीम मधरे लढे हेबो आसंता मे 28 तारिख रे हेबो ग्रैंड फाइनल मुकाबला एथरे क्वालिफायर 1 एवं क्वालिफायर 2 विजेतांक मधरे हेबो मुकाबला अहमदाबाद रो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे संध्या 7:30 रे आईपीएल ट्रॉफी पाई हेबो लढे जेतु आज आईपीएल महासमर महा मुकाबला प्रथम क्वालिफायर रे मुहामुही चेन्नई सुपर किंग्स एवं गुजरात टाइटंस तेबे चेन्नई रो एम चिदंबरम स्टेडियम रे हेबो लढे आउ मात्र किछि समय रहिला संध्या 7:30 रे आरंभ हेबो एक्शन प्ले क्रिकेट फैंस माने अपेक्षा करि रहछन्ति आज रो मैच को काहे आज रो मैच बेस संघर्षपूर्ण हेबो बोली कहा जाउछि जेते भाई गुजरात रो बैटिंग लाइनअप कथा कहिबा शुभमन गिल अछन्ति रिद्धिमान शाह अछन्ति तो ता सहित आपण देखंतु हार्दिक पांड्या मध्ये अछन्ति विजय शंकर अछन्ति डेविड मिलर अछन्ति गुजरात रो बोलिंग कथा कहिबा काहे कि रो बोलिंग लाइनअप मध्ये बेस रशीद खान अछन्ति यश दयाल अछन्ति मोहम्मद सामी अछन्ति नूर अहमद अछन्ति मोहित शर्मा अछन्ति हम जे चेन्नई कथा कहिबा चेन्नई रो बैटिंग लाइनअप कथा असले अछन्ति कन्वे अछन्ति डेवन कन्वे अछन्ति ऋतुराज गायकवाड अछन्ति अजिंक्य रहाणे शिवम दुबे धोनी अछन्ति एमएस धोनी रवींद्र जाडेजा चेन्नई बोलिंग लाइनअप कथा कहिबा दीपक झर अछन्ति महेश अछन्ति तुषार देशपांडे अछन्ति मथिसा पथिराणा अछन्ति एवं मोइन अली अछन्ति जेतेबेले देखिबा कि उभयंकर बैटिंग बोलिंग लाइन मध्य पूरा पूरी नजर रहुछि तो यार भितरे समस्त नजर अछि आजिर मैच उपरे धोनी वर्सेस पांड्या आजिर गोटे हाई वोल्टेज मैच देखिबा को मिलिबो काहेकि आज आईपीएल प्रथम प्लेऑफ मैच रहिछि आम सहित आलोचना करिबा जेतेबेले आजिर हाई वोल्टेज मैच को नै कि समस्त मत बेस उत्साहित अछन्ति काहार देखिबा कि जिता पठ कहीं दर्शक मैंने अपेक्षा कर रही क्रिकेट कोच अच्छा क्षीरोद बेहरा और रुद्र प्रसन्न रथ अच्छा क्रिकेट समीक्षा स्वागत करुच्छी आलोचना को निश्चित भाव में आसत क्षीरोद बेहरा आज मैच को लेकिन आपंकर एक्सपेक्टेशन कौन कहीं समय तो मात्र कम समय रहा सहित फैन्स मान भितर मत उत्साह बढ़ला धोनी वर्सेस पांड्या देखो जो दुईटा टीम खेलुची फाइनाल आज जो दुईजा को नेतृत्व नौकरे अतीतर श्रेष्ठ कैप्टेन गोटे वर्तमान यही फर्माट्र श्रेष्ठ कैप्टेन आईटा दल चमत्कार क्रिकेट खेलुचंती जमती कि आपणकर गुजरात टाइटन्स जेकि डिफेंडिंग चैंपियन आथर से माने पूरा आरतर लगुला से माने केवल हार्दिक पांड्या को बल खेलुले एथर कि टोटल टीम इफोर्ट से माने जो भाई केवल चारोटी मैच हारी टोटल टूर्णामेंट से प्राधान्य विस्तार कर खेली सम्मुखीन हेब धोनी बाहन धोनी जेहेतु होम ग्राउंड में खेलिबे गोटे होम क्राउड गुड़ाए लोक धोनी फैन अच्छा से सपोर्ट करेंगे तेणु गोटे निश्चित भाव में जेहेतु वन टू भितर मैच हम गोटे भल मैच आमको देखा मिले किंतु मत लगुच हार्दिक पांड्या टीम गुजरात टाइटन्स टिके एज रही मैच ओके रुद्र प्रश्न अर्थ मध्य अच्छा क्रिकेट समीक्षक रुद्र बाबू ये प्रकृति आज गोटे गोटे रोमांचक मैच देखा पाइबे दर्शक कहीं आउ मात्र किसी समय रहा आउ किसी घंटा पर मैच तो आरंभ हेबो तो मैच ये बेस रोमांचकर कहीं धोनी वर्सेस पांड्या ये गोटे देखा मिली स्टोरी आउ गोटे आंगेल भी अच्छी बोध हुए मोस्ट प्रोबेबली धोनी जदि शेष आईपीएल खेलुछन बोली कुआ जे जदि एपर्यंत धोनी निज तरफ किसी स्पष्ट करना चर्चा होछि आ जदि सेमती हुए ताले मोस्ट प्रोबेबली आज शेष मैच तांकर खेलिबे ए ग्राउंड रे धोनी चेन्नई रो देखो धोनी झारखंड लोक हो कि से चेन्नई रे एते बड़ पॉपुलर जुआ जाउथले थरक जो जो स्टेडियम धोनी खेलछन समर्थक पूरा स्टेडियम को कब्जा कले लगुला स्थित तेनाली मोटामोटी धोनी चाहिए खेल आज विनर से चार थर जीतते आउ थर जितने चाहिए किंतु गुजरात टाइटन्स जो भाया फर्म अच्छे जमी क्षीरोद बाबू कहते जो भाया फर्म अच्छा कौन से खुण आप बारिपरि बैटिंग में बढ़िया बैटिंग करोलींग्रे
बढ़िया बोलिंग स्पिन डिपार्टमेंट शक्तिशाली अच्छी से कंट्रीब्यूट कर सबू सेक्टर में मैंने फास्ट बेस्ट फास्ट बोलर मोहम्मद शमी टीम रशीद खान बेस्ट स्पिनर टीम तेणु गुजरात टाइटन्स को अटकई धोनी पक्ष में सहज खास करके डेथ ओवर आ ओपनिंग ओवर में जो भाया मुकबिला देखा मिले से ही बोध हुए मैच परवर्त पर्याय परवर्त आभिमुख्य स्थिर कर मोटामोटी मैच र निश्चित भाव क्षीरदबू आम जब पूरा कथ आलोचना करवा आईपीएल इतिहास चेन्नई आप देखो बार थर प्ले अफ्रे प्रवेश कर दुईट सीजन खेली गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट क्रमगत द्वितीय थर पर प्ले अफ्रे पहुंचा सक्षम होती तो ए क्षेत्र में आज जेहतु देखिए कि धोनी वर्सेस पांड्या उभय टीम आज देखिए कि गोटे रोमांचक अपेक्षा कर तो कहार पल्ला भारी रही पारे मुझे जेहतु गोटे टी ट्वेंटी मैच एनीबडीज गेम किंतु गुजरात टाइटन जो भी ढंग से खेलुची जिसे चाहे आ सबुठ बड़ कथा है तांकर जो चेन्नई सहित 3-0 से माने आग्रे अच्छा आ चेन्नई पाखे रही कौन ना तांकर ओपनिंग बैटिंग गायकवाड आउ कन्वे आउ तांकर मझी रही हार्ड हिटिंग आपणकर शुभम दिबे अच्छा और लास्ट फिनिशर भूमिकार अच्छा धोनी आउ जडेजा तो यहाँ स्ट्रेंथ अपरपक्ष गुजरात टाइटन तक निकट में टोटली एंटायर टूर्नामेंटर नायक कह शुभन गिल से जो भी ढंग से खेलुंट आ एंटायर चलित बर्ष से प्रत्येक फर्माट सेंचुरी मारी तेणु आज जो भाव में आरसीबी एगेन्स्ट खेलिले आपर जो आप्रोच टीम्र आप्रोच से अलरेडी क्वाफाई हो सारी कि आरसीबी सहित से फुल टीम खेली तो हार्दिक पांड्या एमती गोटे कैप्टेन से कौन मैच को लाइट नि आउ सी केबे भी से तांकर जेहेतु तांकर आवे रे होम आवे तांकु किछि फरक नै से बाहर भी बहुत बढ़िया खेलुछन जो दि तीन टी मैच से माने हारिछंती गोटे रिंकू सिंह स्पेशल इनिंग्स बलरी हेछि किंतु अदरवाइज तांकर गोटे बैलेंस एते बढ़िया रही है सबुठ बड़ कथा है गुजरात टाइटन्स निकट में रशीद खान अच्छा जे कि यही फर्माट्र विश्वर श्रेष्ठ स्पिनर आ गोटे पेस बोलर जे कि सामी जे कि दौड़े आगे अच्छा पर्पल कैप दौड़े आगे अच्छा जो गोटे बढ़िया टीम बैलेंस रही तेणु गोटे बढ़िया मैच देखा मिले आरंभ गोटे आक्रमणात्मक भाव में खेलुँचा जो टीम देखा मिली से जो संतुलित भाव में खेलुँच तो निश्चित भाव में आम आलोचना रुद्रबू गुरुत्वपूर्ण कथ हो कि आम गुजरात बैटिंग लाइनअप को आपड़ कमी देखते शुभमन गिल अच्छा रिधिमान शाह अच्छा हार्दिक पांड्या अच्छा विजय शंकर डेविड मिलर तो ये पूरा बैटिंग लाइनअप को देखो वर्तमान सबू कम कर हार्दिक पांड्या बैक टू बैक सेंचुरी अच्छी चार्टा हाफ सेंचुरी जोड़ा सेंचुरी 680 रन पाखापाखि कर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर सीरीज मैंने एडिशन आईपीएल एडिशन ने मोटामोटी भाव कह राहुल तेवाटिया डेविड मिलर जो भाया फिनिशर हिसाब अच्छा और निजे हार्दिक पांड्या भी बिग हिटर से कौन जदि से 10-12 बल खेलीदे आउ से बड़ बड़ सर्ट खेल को सक्षम से मैचर गति निजे भी एकाठी मोड़ पारे कि शुभमन गिल जो फर्म अच्छा 2023 मैंने खास करके आरंभ टेस्ट सेंचुरी अच्छी वनडे डबल सेंचुरी अच्छी एप देखे टी ट्वेंटी अच्छी सेंचुरी मैंने जबरदस्त फर्म अच्छा आउ बर्तमान मोटामोटी भाव कहु जो शुभमन गिल बनाम अन्य टीम मैंने आप देखे आरसीबी विरुद्ध केमी छक्का मारी सेंचुरी कले आम मुंबई रास्ता को सहज करदे मोटामोटी भाव जो भाया खेलुच शुभमन गिल जल्दी नटक जल्दी आउट न करेंगे देन आपन को बड़ मूल्य देवा को पड़ो तो बड़ मूल्य देवा को पड़ो कहीं आज मैच जेहतु ची सीधा साधा फाइनाल टिकेट मिल जाऊँ क्षीरदबू आप देखो शुभमन गिल कथा सब शुभमन गिल बैटिंग रू बैट रू सब फैन्स मैंने अपेक्षा करती दर्शक मैंने गोटे निश्चित भाव में सेंचुरी हे आज जेहतु देखिए कि चेन्नई विपक्ष में मैच खेल गुजरात उभय टीम खेलुँच तो एक क्षेत्र में शुभमन गिल आपती देखती परफर्मांस आज गोटे सेंचुरी हो पारे कि निश्चित भाव में शुभमन गिल जो भाव में चलित सीजन से फर्म्रे अच्छा सबू फर्माट्रे से शतक लाभ कर गोटे मोर दैन जमी रुद्रबाब कहते हैं 680 रन करा गोटे छोट कथ नु बैक टू बैक सेंचुरी आउसी मैच को गुजरात टाइटन्स लाइटली नौनी आर स्ट्रेंथ है डेथ ओवर से बड़ रन कर स्लग्स ओवर में बड़ रन कर बैट्समैन मैंने हार्ड हिटिंग क्या कह 14 मैच खेली 680 रन कर स्ट्राइक रेट हूँ 152.47 शतक 2 अर्धशतक 4 से तो आनालीसीस करेंगे निश्चित गोटे बहुत बड़ फैक्टर गोटे जदि आरंभ रु आसिक स्ट्राइक रेट 150 स्ट्राइक रेट 680 ऊर्ध रन कर क्रमगत 2 सेंचुरी दैटू तांकर सेंचुरी आरसीबी को प्ले ऑफ रु बाहर को देख देइथिला तेणु ये गोटे बहुत बड़ निर्णायक मैच रे से बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली आज गोटे बड़ मैच आउ सी गोटे बिग मैच प्लेयर बर्तमान
ବଟ୍ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫର୍ମାଟରେ, ତେଣୁ ଭାରତର ଆଗାମୀ ବ୍ୟାଟିଂ ସେନ୍ସେସନ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳେଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଯଦି କହିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ବା ଯାହାକୁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର କହିବା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ। ଯେହେତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ରୁଦ୍ରାବୁ ଡେଭିନ୍ କନ୍ୱେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 13 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 585 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କଥା କହିବା 138.63, କୌଣସି ଯଦିଓ ଶତକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ 6 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆଜି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ କନ୍ୱେଙ୍କ ଠାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁରାଜ ଆଉ ଡେଭିନ୍ କନ୍ୱେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଛି। ତାଙ୍କୁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପରେ କିଛି ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିଳୁନି। ଯଦି ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିନଥାନ୍ତା, ଶୁଭମ ଦୁବେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 170-180 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି 3000 ପାଖାପାଖି 250 ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା। ମୋଟାମୋଟି ଶୁଭମ ଦୁବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡେଭିଡ୍ କନ୍ୱେ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ବନାମ ସାମି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ ଯେ ସାମି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଲ୍ ଅଛି 2 ଓଭର୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ 2 ୱିକେଟ୍ କନ୍ୱେ ଆଉ ଋତୁରାଜଙ୍କର ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଶୁଭମ ଦୁବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମୋଇନ୍ ଅଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧୋନିଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ ତିନି ଜଣ ଲେଖା ସ୍ପିନର ନେଇ ସେଠି। ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଠାରୁ ଆଜି କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରାଯାଇପାରେ? 13 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 504 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି 138.28, କୌଣସି ଯଦିଓ ଶତକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ 3 ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି କିଛି କମାଲ କରିପାରନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଗତ 2-3 ଆଇପିଏଲ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ T20ରେ ମାନେ ନିୟମିତ ଖେଳିବେ, ତା ଭିତରୁ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଅନ୍ୟତମ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ପରେ ବୋଧହୁଏ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାରେ, ଶିବମ ଦୁବେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରହିବ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରନ୍ ରେଟ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ କେତେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉନି, କେତେ କମ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ ବଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କଥା କହିଲେ ବୋଲିଂ କଥାକୁ ଆସିବା କ୍ଷୀରଦାବୁ, ଇଏ ବୋଲିଂ ପିଚ୍ କେତେ ଆଜି ସହିପାରେ? ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଚେନ୍ନାଇ ତ ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍, ଉଭୟ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଚ୍ କେତେ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାଣି, ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସୁହାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ପିଚ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 200 ରନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିବ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସଙ୍କ କଥା କହିବେ ପଥି ରାଣା, 10 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 15 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମି 7.57, ତ ଆଜି ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କି? ସେ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ଓଭର୍ରେ ଭଲ ବୋଲର, ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ କପି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବୋଲର ଆଉ ବଢ଼ିଆରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀପକ ଚହର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭରପାଇ କରିଥିଲା ସିଏସ୍କେ ଦଳ ପାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ନଜର ରହିବ ସାମିଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ସାମି ଯଦି ଯେମିତିକି ରୁଦ୍ରବାବୁ କହୁଥିଲେ ଇନିସିଆଲି ଯଦି 2 ୱିକେଟ୍ କି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ କାଢ଼ନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ୱିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏସ୍କେର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର୍, ଯୋଉ କନ୍ୱେ ଆଉ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଝଟକା ମିଳେ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଫାଣେ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରନ୍ କରିକି କଲାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ମିଳିଯାଉଛି ଶୁଭମ ଦୁବେକୁ କି ଜାଡେଜା ଏବଂ ଧୋନି ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେଇଟା ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଦେବେ, ପାୱାର ପ୍ଲେୟର କେମିତି ୱିକେଟ୍ 2 ନେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ସାମିଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ସେଇ ନଜରଟା ରହିବ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆପଣ ଏକମତ ହେବେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ କଥା, ଯୋଉ କଥା କ୍ଷୀରଦାବୁ କହୁଥିଲେ, 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 24 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମି 7.71 ରହିଛି, ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 5 ଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ 3 ୱିକେଟ୍ ସେମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲେୟର ହିଁ ପ୍ରାୟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାମିଙ୍କର ଡେଥ୍ ଓଭର୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯଦିଓ ସେ ଡେଥ୍ ଓଭର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି T20ରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲି ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବାର ଦେଖେ ବା ରିଭର୍ସ ସୁଇଂ କରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ଡେଥ୍ ଓଭର୍ରେ ବି ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଦେଖିଛି ଯାହା,
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଖେଳିପାରେ, ଦର୍ଶନ ସନକାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜୋଶୁଆ ଲିଟିଲଙ୍କୁ ଖେଳିପାରେ, ପେସ୍ ବୋଲର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଗୋଟେ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତୁ କି ଜାଡେଜା, କିଛି ଗୋଟେ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କି? ୟୁ ନେଭର ନୋ, କ୍ରିକେଟରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ତିନି ତିନି ଜଣ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ୟୁଜୁଆଲି ସ୍ପିନିଂ ଟ୍ରାକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଲାଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଧିକ 200 ରନ୍ ବି କରିଛି ଏହି ସିଜିନ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଥର 200 ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ବି ଅଛି 200 ରନ୍ ସ୍କୋର, ତେଣୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ହାପେନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ କେମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଦବୁ, ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲର, ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଉପରେ, 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 20 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ, ଇକୋନୋମିରେ ଅଛି 9.52 ଅର୍ଥାତ୍ 9.52 ରହିଛି, ତ ଆଜି ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବୋଲର ହିସାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ଭଲ ଡେପ୍ଥ ଓଭର ବୋଲିଂ ଆଶା ରଖିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିନରଙ୍କ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଜୟନ୍ତ ଯାଦବଙ୍କୁ ବି ସୁପର ଷ୍ଟପ୍ରେ ଦେଖିବା ବି କିଛି କେହି କାରଣ ଯଦି ୱିକେଟ୍ ସେଠି ଟର୍ନ ନିଏ, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅପସନ୍ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ସୁବ୍ରଜିତ ସେନାପତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଆଜି ମୈଦାନ କୋହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି କି? ନା ମତେ ତ ସେମିତି ସେ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦିଓ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମ ପିଲାଟା ଖେଳୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୋନି ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସିରିୟସ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରବାବୁ ହୁଏତ ଖେଳି ପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ, କାରଣ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଖେଳନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଧୋନି, ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖେଳେଇବେ। 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ବା ଗୋଟେ ସେତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେବାନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳିଆ ମାନସିକ ଚାପ ପଡୁଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଟିମ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ, ସୋ ଲିଟିଲ୍ ବି ଡିସାପଏଣ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରଦବାବୁ କହିଲେ ଆଜି କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଏଲିମିନେଟରରେ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲରେ ମତେ ଲାଗୁନି ଧୋନି ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଟର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ମଝିରେ ବି ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ମଝିରେ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାଣାଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଆପଣ ଖେଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଓପନର ହିସାବରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୋନି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ନୂଆ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଥିରାଣାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ହର୍ଷ ବୋଗଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଥିରାଣାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେୟାର ଏତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସିଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ନିରାଶର କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ, ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ହୁଏତ ବେଶ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କ୍ଷୀରଦବାବୁ ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 24 ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବେ କି ୱିକେଟ୍ କେତେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ରଶିଦ ଖାନ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର, ଏଥିରେ ଆଦୌ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକାଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିଜନରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି, ନର୍ମାଲି ଇକୋନୋମିକ ରେଟ୍ ଆହୁରି କମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୋଉଟା କେକେଆର୍ ସହିତ ଯୋଉଠି ରିଙ୍କୁ ସିଂ ମାରିଲେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ରକମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇକରି ବ୍ୟାକ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦଳକୁ, ତେଣୁ ସେ ଏକାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବାର କ୍ଷମତା ଯଦି ଗୋଟେ ବୋଲର କାହାର ଅଛି ସେ ହେଲେ ରଶିଦ ଖାନ। ତେଣୁ ରଶିଦ ଖାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କି ବୋଲର ରହିବେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ଦେଖିବା କି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଖେଳୁଛି, ଧୋନିଙ୍କର ଦେଖିବା କି ଆହୁରି ଦେଖିବା କି ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି କି, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇପାରେ ନା ପ୍ରେସରରେ ରହିପାରନ୍ତି? ନା କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଧୋନିଙ୍କର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସାରା ଭାରତର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ହଳଦିଆ ଜର୍ସିରେ ଛାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଧୋନିଙ୍କର
जो पर्सनालिटी अच्छी जो परफॉर्मेंस अच्छी इंडियन टीम पाई जो कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट पाई मतलब लगे जे प्रति भेन्यू होची धोनी निजर होम ग्राउंड माने से केवल गोटे चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन बोली खेलती इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती इंडियन क्रिकेट घर दर्शक मैंने निजर प्रिय खेलाड़ी को देखा आज हूँ स्टेडियम गोटे खचाखच भिड़ लागी रही बाबू एक आलोचना हूँ तो धोनी शेष आईपीएल बिल्कुल इमोशंस इमोशंस निश्चय रन कर सब चेन्नई सुपर किंग्स फैन धोनी समर्थन कि धोनी आउ गोटे मैच जब आज भी हारी जाऊँगी हूं तो क्वालिफायर टू खेल मिले तेणु मैच शेष हो से निजे भी कही ना डिक्लेयर मोर लास्ट आईपीएल बोली होप जे मैनेजमेंट आशा करते आहरी गोटे वर्ष नेक्स्ट नेक्स्ट इयर भी धोनी सहित रही है जदि खेला मैंने रही है चाहूँगी जदि खेला न रही अन्य फॉर्मेट अन्य प्रकार रोल मिले मेन्टल हिसाब से कोच हिसाब से मैंने आहरी विभिन्न प्रकार भूमिका धोनी अवतीर्ण निश्चय हे चेन्नई सुपर किंग्स कारण से बहुत भल पाते चेन्नई सुपर किंग्स को सहित इमोशनाल बहुत कनेक्टेड अच्छा मतलब लगुनी धोनी के ऊपर ये गोटे एडिशनल प्रेशर बिल्ड करेंगे कारण धोनी जानते इतने वर्ष क्रिकेट खेलला परे जे इमोशंस को कोट रखा जाए आ प्रोफेशनल जिम को कोटी आगू कणा जाए सो धोनी यूजुआल जमी जाती ओलांती पड़िया को सेमती ओल्लैबे परफॉर्मेंस देते जमी कूल आउ मानने ये फ्री है मानने कूल आउर काम है जमी परफॉर्मेंस दिखे देते ओके अखिल बाबू हेड टू हेड मैच भितर आप देखते गुजरात पल्ला भारी रही कौन अनुमान कर मैच देखिए कि गुजरात पूरी इतिहास को दोहराई पारे ना घरे पिच चेन्नई को सहायक हो पारे देखो आम जमी आलोचना आरंभ रु वर्तमान सुधा जहाँ जाइए गुजरात टाइटन प्रत्येक विभाग में अग्रणी रही कारण 3-0 से आगे रही 22 आउ 23 आईपीएल को यदि देखा आम आ सब बड़ कथा गुजरात टाइटन्स आवे रे परफॉर्मेंस बहुत भल अच्छे तांकर होम छोड़ा बाहर मध्य से बहुत बढ़िया परफॉर्म करते आउ मैच पूर्वर भी हार्दिक पांड्या कही जो लोकंर गहली इमोशन आउ प्रेसर एगुड़ाक किसी आमको कम दबे आज कल क्रिकेट खेलू नॉर्मल क्रिकेट खेलू आम टीम सब बेले जितने खेली आश्चिंत भाव में भल खेल आ सब बड़ कथा आज क्रुशियाल मैच हार्दिक पांड्या चलित सीजन से किसी भल प्रदर्शन करना आज बोधे मत लगुच हार्दिक पांड्या श्रेष्ठ बैटिंग बोलिंग रे उभय ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस करिवे एवं दल को सहज रे फाइनल को नबा पई से सक्षम होई परिवे रुद्रबाबु आपण मते एकमत हेबे कि काहेकि ना गुजरात वर्तमान जबरदस्त हेतु फॉर्म रे रहिछि एवं जदी आज जो टीम विजय होइछि से दल देखिबे कि सीधा सलक फाइनल को जिवो से क्षेत्र रे आपण कोन लागुछि ने जेमति खेदाबु कहले गुजरात निश्चय एथरे फ्रंट रनर अछि एथरे भाबिवार किछि नै कारण चेन्नई सुपर किंग्स रा बैटिंग जदी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करि जाउछि ताले गोटे से आगू जापरेंगे ना तेणु सबू बेसेस कवर कर रखी टाइटन्स मैंने आपर बैटिंग भी स्पिनर भी टॉप ऑर्डर बोलिंग भी शुभमन गिल फैक्टर कहतु रिधिमान सांग सहित ओपनिंग पार्टनरशिप कहतु निजे हार्दिक पांड्या बैटिंग डेविड मिलर राहुल तेवाटिया तेणु मोटामोटी सब बेस को कवर कर रखी तेणु दे आर द फ्रंट रनर्स ये चैंपियन देखते बैटिंग क्या कहतु बोलिंग लाइन बेस मजबूत से क्षेत्र में कौन आउ किसी नुआ स्ट्राटेजी करते कि पांड्या मत लगुच जोड़िए चेंज हो पाए आप जड़े कहले जोशुआ लिटिल खेली पारती आउ यश दयाल जगह हूं तो साई के सुदर्शन को आनी पारती आज ए बैटर आउ बैटिंग को स्ट्रेंथ करने छोट मोट चेंज उभय दल को देखा मिल पाए कि मत लगुच गुजरात जोड़े चेंज सहित जापे ओल्ल पाए आज पड़िया को निश्चित भाव में देखा कि आज जेहतु हाई वोल्टेज मैच रही क्षीरदब रुद्र बहु गुरुत्वपूर्ण कथा आज क्वालिफायर वन गुजरात टाइटन चेन्नई सुपर किंग्स मध्ये भेटघाट हो 24 तारीख में लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस मध्ये एलिमिनेटर मैच खेल और आसंता 26 तारीख में क्वालिफायर टू खेल एथिरे क्वालिफायर वन पराजित होइथिबा टीम एलिमिनेटर विजेता टीम मध्ये लड़ाई हेबो और मे 28 तारीख में फाइनल फाइट रही फाइनल मुकाबला रही क्वालिफायर वन और क्वालिफायर टू विजेता भितर मैच खेल ये अहमदाबाद नरेन्द्र मोदी स्टेडियम संध्या 7:30 रे खेल आईपीएल ट्रॉफी पाई हाई वोल्टेज मैच किरतबू जितेबले हमें जेमती गुजरात रो बैटिंग बोलिंग लाइन बे स्ट्रांग अछि मजबूत अछि ओपनिंग बैटर शुभमन गिल मध्ये श्रेष्ठ फॉर्म रे अछंती गिल निचर शेष दुईटी मैच रे शतक हासिल करछंती तांको बैट रु आउ गोटे बड़ो इनिंग्स मध्ये आशा करछंती फैंस सेपड़ आपण देखंतु चेन्नई टीम रो ओपनर कन्वे मध्ये भलो फॉर्म रे अछंती दुई टीम गोटे भलो जति स्टार्ट दउछंती ये परस्पर को गोटे बड़ो टार्गेट करि परिबे कि निश्चिंत आज मैच रे बहुत किसी डिपेंड कर जो टीम फास्ट बैटिंग करते रन करदी छोटो टोटाल हम मत लगुनि डिपेंड करवा ये इजी हे तेणु जी बैटिंग कर जे तो टॉस जितिबो से प्रथम चेष्टा कर चेज करने जदि जी बैटिंग आग कर निश्चिंत 190 ऊर्ध रन करवाक पड़ो बोर्ड में 190 ऊर्ध रन कले ही से मैच रे से
बनी रही है। तेणु गोटे बढ़िया मैच आ समस्त नजर रुभमन गिल और शुभम दुबे उपर केते रन कले आपनको कोन लागछ केते स्कोर करबार आवश्यकता रहिछ रुद्र बाबू जहा द्वारा कि उभय परस्पर गोटे टार्गेट करि परिबे नै 200 मतलब लागछ हम देखु छी 200 भी जल्दी चेंज हो जाउछ दिदा में देखिन 4 5टा मैच रे माने पाखा पाखी पड़ोचंती माने कोटी अल्प गोटे जोडे बडो शॉट मिस होछ न पाखा पाखी 200 पड़ोचंती 180 190 भी आजके लागुनी गोटे माने गोटे माने स्मार्ट डिफेंडिंग टार्गेट बोली बट 200 अगेन सबुदिन स्कोर करिया संभव न आरसीबी देखन सब बेले 200 स्कोर कले भी समान तांका टीम हारी जाउछ ऑलमोस्ट बहुत जगह हारी बहुत थर थर तो आशा करिया गोटे 180 190 गोटे स्कोर करेंगे और उभय पटे तो बोलिंग भल अच्छी मतलब लगुनि कहीं गोटे सहजे क्या बाट छाड़ देवे तथा जी 170-180 कर आडभांटेज पोजिशन रही है। अच्छा आप 200 हेल्ले तो निश्चित भाव में बेस भल कि 180-190 हेल्ले गोटे परस्पर भितर गोटे टक्कर हो पार तो क्षीरदेव आपको लगुच्छे चेन्नई सुपर किंग्स जेहतु देखिए कि गुजरात गोटे दृढ़ स्थिति में अच्छी चेन्नई धोनी किसी नुआ स्ट्राटेजी रणनीति आपण पारती कि आम सब देखी कैप्टेन कुल कि भाव में स्वतंत्र रणनीति करती आज सेमती किसी करपारती कि देखो तो धोनी टीम सीएसके भी किसी खराब खेली 70 पॉइंट सहित द्वितीय स्थान में अच्छी तेणु गोटे मैच आज दिन आज जो से समय जी तर नॉर्मल क्रिकेट खेली पार किसी प्रेसर बिन क्रिकेट खेल से टीम ही विनर हे आ धोनी स्ट्राटेजी बनवे माहिर बिग मैच प्लेयर आउ मोटिवेट कर सब नंबर वन ये जो कि गोटे ह्यूज फैन फॉलोइंग रही बहुत खेला सहित मुझे कथी जो मैंने कि चेन्नई सुपर किंग्स को भल पाँच केवल धोनी जो तेणु जो धोनी जो एडेड आडभांटेज आने जो खेलुंतर होम ग्राउंड से आडभांटेज रही पाए किंतु एबे भी मते जदि पचारिबे मु कहबि 55-45 मु देबि 55 गुजरात टाइटन्स को एवं 45 चेन्नई सुपर किंग्स को आज मैच रे मु व्यक्तिगत भाबर आपन सिस्टर कोन कहबाक चाहिबे काहेकि रे समस्त को पर्सनल चॉइस मते रहि छि के को टीम को भलो पांती आमे देखु जे दुई टीम मते के खाटर कम नहुंती आपन को एक्सपेक्टेशन कोन आज हाई वोल्टेज मैच को नेकि आपन कोन करू छ एक्सपेक्टेशन करू छथि ने टूर्नामेंट रो परफॉर्मेंस देखबा को गले वर्तमान सुधा जो बोली भाबर गुजरात टाइटन्स खेलु छि आ जो बोली भाबर जो ढंग रे खेलु छि से माने फाइनल को प्रथम टीम भावे जीवा पे हकदार से माने रुद्रबाबू आपण कोन भाबु छथि आज रो मैच केमती होई परे देखो तो मते लागु छि धोनी कर बहुत निजर स्ट्राइक रेट बहुत भला 140 एबव चेन्नई रे त मते लागु छि से निजे आज जदी बैटिंग का सुजोग मिलला से निजे निश्चय बड़ बड़ शॉट खेलिबे जो चेन्नई रो दर्शक माने चाहंती छक्का जो कर वर्षा धोनी का बैट मिशन देखिया मिलिवो मो मते धोनी को धोनी जदी आज माने धोनी को टीम सीएसके होता आज जीति न पारे किंतु मते लागु छन फाइनल खेले को हकदार। अच्छा तो निश्चित भाव में देखिए कि अपेक्षा रही है मतलब देखिए कि किसी घंटा पर जो मैच आरंभ हो क्षीरदेव रुद्रबाबु समस्त फैन्स मैंने अपेक्षा करते गोटे हेड टू हेड मैच हम गोटे हाई वोल्टेज मैच देखा पाइबे दर्शक कहीं उभय टीम बेस्ट शक्तिशाली बैटिंग लाइन बोलिंग लाइन कथा कहतु स्पिनर क्षेत्र में तो देखा बाकी रही आज कह देखा कि किए जाऊँ क्या मिलूँ फाइनाल टिकेट नजर रहा है से समय को संध्या 7:30 को समस्त अपेक्षा रही बहुत बहुत धन्यवाद क्षीरदेव रुद्रबाबु आप सहित अधिक आलोचना कर आलोचना कोई रखा नमस्कार।